कॉन्फ्रेंस गुरुजी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स जो है वो 3 और 4 दिसंबर का लेकर हाजिर हुए हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है करंट अफेयर्स के लिए ही है, करंट अफेयर्स क्या बल्कि पीसीएस के लिए है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं जितना भी आपको पब्लिक डोमेन में जाता है जैसे कि करंट अफेयर्स जा रहा है सबका वीडियो प्लस पीडीएफ जो आप देख रहे हो उस पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ में कुछ ना कुछ इसमें छोटे छोटे आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहेगा जिससे कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपको हो जाएगी इसमें से। बाकी दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और है कि यूपी पीसीएस के लिए अगर आप कोर्स करना चाहते हो, आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। इसमें प्री और मेंस दोनों का बैच चल रहा है इस समय। इसके लिए आप 8317040152 मुझे कॉल कर लीजिएगा। फीस बहुत लिमिटेड है, आपका जो प्री का कोर्स है वो मात्र 1000 रुपये पर मंथ पे है। इससे सस्ता और इतना अफोर्डेबल कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ फाइल मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा। मतलब रोज़ आपको कॉल किया जाएगा और आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इससे थोड़ा कंट्रोल आप पे ज़्यादा रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर फ़ोन कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स 3 और 4 दिसंबर का। क्वेश्चन है, आबू धाबी ग्रां प्री खिताब किसने जीता है? ग्रां प्री किस में होता है, क्या होता है ग्रां प्री? देखिए, जो आप फॉर्मूला 1 रेस देखते हो ना जिसमें बहुत तेज गाड़ियां भागती हैं उससे हम बोलते हैं ग्रां प्री। और ग्रां प्री के कई सवाल पीसीएस में पूछे गए हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। ग्रां प्री बड़ा फेमस है, फॉर्मूला 1 बड़ा फेमस है, इंपॉर्टेंट लगता है उनको पीसीएस में। आपको बैडमिंटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेनिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट में आईपीएल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 5-6 स्पोर्ट्स हैं जिसमें हर साल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आबू धाबी जो लेटेस्ट हुआ है उसका ग्रां प्री जीता है आपका लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये लुइस हैमिल्टन साहब हैं, इंग्लैंड के हैं ये, और इन्होंने ये समझ लीजिए कि 5-6 बार ये टाइटल जीत चुके हैं। वर्ल्ड सबसे बढ़िया रेसरों में आते हैं ये लुइस हैमिल्टन। हज प्रक्रिया को डिजिटल करने वाला पहला देश कौन सा है? हज प्रक्रिया को डिजिटल करने वाला कौन सा देश है? अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान? तो देखिए नाम से तो लग रहा होगा, तो हज प्रक्रिया को पूरा डिजिटलाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया ने पूरा कर लिया है। और इसमें आपको कैसे पासपोर्ट जाना और परमिशन लेना सब डिजिटल तरीके से होगा जिससे कि इजीली आप कर सको और कोई हरासमेंट ना हो, कोई आपका फेक पैसा आपसे ना चार्ज कर ले, कोई ऐसा नहीं कि आपको झूठा क्लेम करके आपसे पैसा चार्ज कर रहा है, तो वो सब नहीं करेगा। आगे है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने हवाई अड्डों के निजीकरण की सिफारिश की है? AAI ने कितने हवाई अड्डों के निजीकरण की सिफारिश की है? 4, 3, 5, 6 कितने जो हमारे हवाई अड्डे हैं वो निजीकरण होंगे यानी प्राइवेट होंगे? 206 जो एयरपोर्ट हैं वो प्राइवेट करने की संभावना है। इसके बारे में जो लिस्ट है वो आपको बाद में मैं आपको फिर से दे दूंगा, अभी फिलहाल नंबर जान लीजिए कि 6 एयरपोर्ट हैं जो प्राइवेट किए जाएंगे, जिनका ऑपरेशन जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। एक ट्रेन भी तो है प्राइवेट, कौन सी ट्रेन है जो ट्रेन पहली इंडिया की पहली ट्रेन प्राइवेट ट्रेन? तेजस, ठीक है ना, लखनऊ टू दिल्ली चलती है वो और प्रॉफिट भी चल रही है आजकल। ठीक है, अब ट्रेन रेलवे को जितना प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसका, ये सही है या गलत है? इसके बारे में जो सवाल इस तरह के सवाल जो आते हैं वो मेंस में आते हैं। प्री में तो पूछ लेगा कि तेजस है कि क्या है, कौन सी ट्रेन है, लेकिन ये सही है या गलत है वो मेंस का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, G20 देशों का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? G20 ग्रुप ऑफ 20 में नया जो अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? 4 ऑप्शन है, सऊदी अरब, फ्रांस, स्पेन। तो दोस्तों जो नया अध्यक्ष है यानी 2020 के लिए जो अध्यक्ष है वो सऊदी अरब को बनाया गया है, क्योंकि जो G20 की जो मीटिंग है वो सऊदी अरब में होने वाली है, रियाद में होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट, रियाद, G20 की मीटिंग रियाद में होगी, इसलिए उसको सऊदी अरब को अध्यक्ष बनाया गया है। 2019 में किस में कहाँ हुई थी? ओसाका में हुई थी। ओसाका कहाँ है? जापान। ठीक है, ओसाका की बैटरी भी आती है वैसे तो ओसाका एक जगह का नाम है जो जापान में है, और 2019 का G20 की मीटिंग वहाँ पर हुई थी। यहाँ पर अमूमन क्या होता है कि दुनिया की सबसे जो बड़ी इकोनॉमी होती हैं, जो टॉप 19 कंट्रीज जो होती हैं इकोनॉमी के लिए, वो और एक यूरोपीय यूनियन, ये सब मिलके डिस्कस करते हैं कि दुनिया में कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए या कैसे क्या लाया जाए, डिस्कस करते हैं। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है 2019 में ओसाका, 2020 में रियाद। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से G20 की मीटिंग होती है इससे निकल के जो आता है वो कितना इफेक्टिव है, या अमीर जो कंट्रीज़ हैं G20 में जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि इकोनॉमी को रन करने में। अगर उनको दिक्कत आएगी तो जो गरीब कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया वगैरह वगैरह हो गए, तो उनको उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इस तरह से जुड़ा हुआ सवाल कुछ ना कुछ आ सकता है मेंस में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का उदाहरण कहाँ किया है? मल्टी मीडिया
प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर है नागालैंड। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कुछ। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच मित्र शक्ति अभ्यास हुआ है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, वो किस किन दो कंट्रीज के बीच में स्टार्ट किया गया है? देखिए मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच किया जाता है। अभ्यास को लेकर प्री में एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, चाहे मालाबार एक्सरसाइज हो, चाहे मित्र शक्ति हो, चाहे सूर्य किरण हो, ठीक है। इंडिया जो है वो कई कंट्रीज के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो पहला सा सवाल यही पूछ लिया जाएगा कि किन कंट्रीज के साथ, मतलब नाम पूछ लेंगे जैसे मित्र शक्ति किसके साथ है, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा सवाल आ जाएगा कि वो पूछ लेगा कि मित्र शक्ति है वो श्रीलंका के साथ था, वो कहाँ हुआ था, जगह पूछ लेंगे। तो जो मित्र शक्ति है वो पुणे में हुआ था, ठीक है, पुणे में हुआ था। एक बार सवाल पूछा ये भी कहता है कि कौन, एक पूछा कि एक आई थिंक याद आ रहा है 2017 में पूछा गया था कि कौन से एक्सरसाइज में, एक एक्सरसाइज का नाम दिया था, याद नहीं आ रहा, एक एक्सरसाइज हुआ था किसी के बीच में, वहाँ पूछा कौन सा जहाज इसमें इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो अगर कोई एक्सरसाइज है जहाँ पर कोई मतलब बड़ा जहाज या पानी का जहाज या हवाई जहाज जिसमें कोई इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई तोप इस्तेमाल की जा रही है जो बहुत ही अनयूजुअल है, जो अमूमन इस्तेमाल नहीं होती है, तो वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेंस में क्या पूछेंगे? मेंस में पूछेंगे आपसे कि क्या ज़रूरत है ये इतनी एक्सरसाइज करने की। तो दोस्तों एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ये होती है कि इससे आपका एक तो डिप्लोमेसी अच्छी होती है, आपस में कंट्रीज़ के साथ आपके संबंध बड़े अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि नॉलेज शेयरिंग होती है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ। जो अभिनंदन जी ने अपने MiG-21 से F-16 को जो गिराया था, असल में 2004 में इंडिया और अमेरिका ने बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। उस एक्सरसाइज में एक ये प्लान किया गया था कि अगर मान लो F-16 और MiG-21 सामने आ जाएंगे तो किस तरह से MiG-21 हरा सकता है आपका F-16 को। तो वहाँ पे जो 2014 में 2004 में जो कॉन्सेप्ट किया गया था उसकी रिपोर्टिंग तैयार की गई और वो उसका इस्तेमाल 2018 में 19 में किया गया, ठीक है। तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इंडिया जो एंड जो टेररिज्म को कंट्रोल करने में या इस तरह के जो ऑपरेशंस को देने में बहुत इंडिया एक्सपर्टीज है, तो इंडिया शेयरिंग करती है श्रीलंका से कर लेगी या बाकी कंट्री से कर लेगी कि अगर मान लो कोई टेररिस्ट आ जाता है, कोई बिल्डिंग आ में कब कर लेते हैं, तो किस तरह से उस टेररिस्ट को से बिल्डिंग छुड़ाई जाए। तो नॉलेज शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, कॉन्सेप्ट शेयरिंग है, ठीक है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्लेवरी एबोल्यूशन डे कब मनाया गया जाता है? दोस्तों 30 नवंबर, 29 नवंबर, 1 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो इंटरनेशनल स्लेवरी एबोल्यूशन डे जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर मनाया जाता है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये है और 1986 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। स्लेवरी मतलब गुलामी, गुलाम बनाना, जिसमें आपको पैसा नहीं देना और आपको काम कराना। अच्छा, अब हिस्ट्री का सवाल जुड़ जुड़ के आता है इसमें से, और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि हिंदुस्तान में से स्लेवरी यानी कि जो दास प्रथा है किसने ख़त्म की थी? तो दोस्तों 1843 में हमारे उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बोरो, एलन बोरो ने आपका दास प्रथा ख़त्म की थी। अच्छा, इसी बीच में हिस्ट्री को लेकर पीसेस प्री में सवाल आता है कि सती प्रथा किसने ख़त्म की थी, दास प्रथा किसने ख़त्म की थी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज किसने ख़त्म की थी। तो ये मैज द फॉलोइंग वाले सवाल आ जाते हैं, तो ये आपका प्री के सवाल बन जाता है। मेंस को लेकर प्री में तो नहीं पूछ, इस तरह का सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पॉवर्टी और इस तरह का अलग तरीके से कॉन्सेप्ट से पूछा जा सकता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर शुरू हुई है? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, अमेरिका, जापान, स्पेन, तो दोस्तों ये है स्पेन में स्टार्ट हुई है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जैसे COP 21 कहेंगे, 25 कहेंगे इसको हम, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच तक की जाएगी, कहाँ पर? मैड्रिड, स्पेन में। अगला क्वेश्चन है, 2019 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज किसे दिया है? शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज, कई बार किताबों के लेकर जो भी अवार्ड विन अवार्ड आप जीतते हैं तो वो पूछा जाता है कि साहित्य पुरस्कार किसने जीता, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता, ठीक है, बुकर प्राइज किसने जीता, इस तरह के सवाल कई आते हैं। तो शक्ति, अच्छा अब ये तो बड़ा कॉमन है, लोग पढ़ के आते हैं, तो कभी कभी जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, फेमस नहीं होते हैं, तो वो सवाल भी पूछे जाते हैं। तो शक्ति भट्ट का जो ये अवार्ड है, शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़ है, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने जीता है दोस्तों? इसको जीता है, असल में एक राइटर हैं हमारे जिनका नाम है टोनी जोसफ,
टोनी जोसेफ ने किताब लिखी जिसका नाम है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ एंशियंट एंसेस्टर एंड वेयर वी कम फ्रॉम। टोनी जोसेफ हैं जिन्हें किताब लिखी है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ एंसेस्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम, तो इसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये अवार्ड है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज। मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण का शुभारंभ कब हुआ है? जो मिशन इंद्रधनुष है उसका सेकंड जो स्टेज है वो कब शुरू की गई है? तो दोस्तों सेकंड स्टेज जो है वो आपका दो दिसंबर को स्टार्ट किया गया है, 2 दिसंबर को। पहला सवाल तो ये बनता है कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। देखिए मिशन इंद्रधनुष का मतलब है कि जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसी तरह से 7 बीमारी का वैक्सीनेशन के लिए आपके भारत सरकार ने जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें नाम दिया है मिशन इंद्रधनुष की 7 रंगों से मतलब है 7 बीमारियाँ। ठीक है, तो इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा और 2020 तक के लगभग 90% बच्चों को इम्यूनाइज कर दिया जाएगा, मतलब उनको टीकाकरण कर दिया जाएगा, ये टारगेट है। अब अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि मिशन इंद्रधनुष में कब बोला गया है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो सन 2020 तक 90% बच्चों को वैक्सीनेशन करने का प्लान किया गया है और इसमें 7 रंग हैं, तो 7 बीमारियां हैं। इसमें 7 बीमारियों में है डिप्थेरिया, टिटनस, पिट्रोसिस जिसे हम वोपिंग कफ भी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, मीजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो बीमारी कौन कौन सी है ये याद कर लीजिएगा। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन, चार पांच नाम दे देंगे, इसमें से कौन सा है वो मिशन इंद्रधनुष का पार्ट नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेंस का सवाल बन जाएगा कि पूछ लेगा कि मिशन इंद्रधनुष के बारे में लिखिए या मिशन इंद्रधनुष एक सफलता है या एक असफलता है इसके बारे में लिखिए। तो थोड़ा सा मेंस में आप इस तरह से पढ़ोगे कि क्या कॉन्सेप्ट था, क्या प्लानिंग है, कितने लोग का टारगेट रखा गया था, कितना अचीव किया गया, क्या प्रॉब्लम्स आई, तो ये सब आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। प्री में बीमारियाँ कौन सी हैं, कब तक टारगेट का अचीव करना है, कौन से विभाग ने स्टार्ट किया है, तो ये सब दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन जो है 2019 का वो कब मनाया गया है दोस्तों? वो है आपका 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन 2019 मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। खत्म करने से पहले दोस्तों, पीसीएस गुरु जी ऑनलाइन कोर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8317040152 पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप जाने के लिए अपना नाम और करंट अफेयर्स लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।